नया चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, और कई तरीके की इन्वेंट्री हमारे बिजनेस में हो सकती है। वन इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। ये तीन तरीके की इन्वेंट्री हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वहां पर ये तीन तरीके की इन्वेंट्री होती है। और जो ट्रेडिंग कंसर्न है, फिनिश गुड्स, जो हमारा तैयार गुड्स है जिसको हम बेचने के लिए रेडी हैं, ठीक। ट्रेडिंग कंसर्न में जो इन्वेंट्री होती है डेट इज कॉल्ड ट्रेडेड गुड्स। इसको हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न किसी भी तरीके का मटेरियल की ट्रेडिंग कर सकती है। हो सकता है कि कोई एक बिजनेसमैन हो वो रॉ मटेरियल ही बेचता हो, यानी कोई ऐसा मटेरियल जो रॉ भी ही बिकेगा, जो फिनिश्ड है ही नहीं, वो हमेशा खरीदने के बाद प्रोसेसिंग में ही यूज होगा, ठीक। डायरेक्टली वो मटेरियल यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो स्टॉक है दैट इज ट्रेडिंग गुड, ट्रेडिंग गुड। अब इसके वैल्यूएशन की नीड क्यों आई, क्या जरूरत है स्टॉक के वैल्यूएशन की, ठीक। जब हम ऑडिट करते हैं तो इन्वेंट्री इज अ एरिया जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को और लॉसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक के लिए एक बात कही जाती है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज क्यों, बहुत सिंपल सा हमने बात पढ़ी थी, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो ये कहती है कि अगर प्रोस्पेक्टिव लॉसेज हैं तो उन्हें हमें पहले से ही काउंट करना है, और प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को हमें तब तक काउंट नहीं करना जब तक वो ना हो जाए, है ना, इतनी सी बात थी। लेकिन हाउ द कॉस्ट प्राइस विल बी डिसाइडेड एंड हाउ द एनआरवी विल बी डिसाइडेड, दिस इज द क्वेश्चन, कि कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी, मेरी कॉस्ट है क्या, ठीक। तो इसके लिए बात कही गई, जब ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए तो वो कंसर्न से पूछता है कि सर आपके यहाँ सिस्टम क्या है, आप स्टॉक की रिकॉर्डिंग कैसे करते हो। सपोज करें मैं एक ट्रेडिंग कंसर्न हूँ और मैं कुछ खरीदता भी हूँ और कुछ बेचता भी हूँ, तो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए मुझे क्या तरीका अपनाना चाहिए आपके हिसाब से, एज ए जनरल पर्सन, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे। एक पर्टिकुलर डेट पर आपको 31 तारीख का स्टॉक बताना है, तो आप मुझे वो स्टॉक कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे, आप बताइए। इनका कहना है जितनी परचेज की उसमें से हम सेल्स माइनस कर देंगे, ठीक। और कुछ तरीका, मैं स्टॉक की वैल्यू ही आप कैसे बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर डेट पर आपके पास कितना स्टॉक था। आप तो रूटीन प्रोसेस में गुड्स खरीदते भी रहते हैं और बेचते भी रहते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पर कितना स्टॉक है ये आप कैसे वैल्यू करेंगे। एक तरीका उन्होंने बताया कि भाई मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा कि मैंने 1000 यूनिट खरीदी थी, इसमें से 750 यूनिट बेच दी, तो 250 यूनिट मेरे स्टॉक में होनी चाहिए, और इसको मैं पर यूनिट रेट से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इट मींस मुझे ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मैंने कितनी यूनिट खरीदी और कितनी यूनिट कब कब सेल की, है ना, तभी तो मैं ये काम कर पाऊंगा। और क्या तरीका है इसके अलावा, इनका कहना है कि आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, क्योंकि मैंने यूनिट का हिसाब नहीं रखा, तो उन्होंने कहा मैं तो ये कैलकुलेट कर लूंगी कि मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, मैंने कितने रुपए की
परचेजेस की, प्लस मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हुए, और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है क्योंकि सेल सेल प्राइस पे होती है, तो एक हम जीपी रेट असम्पशन कर लेंगे कि हमें इतने रुपए का जीपी होता है और जो बाकी बचा वो क्या होगी, कॉस्ट। तो मैं इस तरीके से एक एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लूँगा। क्योंकि मैंने ये हिसाब नहीं रखा, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। ठीक, और कोई तरीका बताएं? और एक तरीका है इससे दोनों से भी आसान, इन दोनों से आसान एक तरीका और है। नहीं, वो तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो हो गया, ये आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। अनलेस अनटिल द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट सर्टिफाई द क्लोजिंग स्टॉक, देन द बैंक विल नॉट बिलीव दैट बैलेंस शीट। हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग का हो गया, वो तो ये वाली बात हो गई। ठीक, मेरा कहना ये है क्यों ना हम गोडाउन में जाकर स्टॉक काउंट कर लें। अरे सिंपल सा तरीका है भाई, मेरे गोडाउन में स्टॉक रखा है ना, तो मैं जाके काउंट कर लेता हूँ कितनी यूनिट बची है, और 31 तारीख के रेट से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्टॉक आ गया। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक, टाइम बहुत लगेगा। अब इन्होंने बात की, इट मीन्स ये अलग अलग मेथड्स इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अलग अलग बिजनेस कंसर्न में यूज हो सकते हैं। एक छोटा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रहता, वो अगर ये सिस्टम फॉलो करेगा तो उनकी कॉस्ट भी बहुत लगेगी, समय भी ज़्यादा जाएगा, तो उसके लिए ये आसान है कि वो एक पर्टिकुलर डेट पर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कर ले और उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर ले। लेकिन बड़ा बिजनेसमैन जिसके यहाँ लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, ठीक है, बहुत सारा गुड्स रहता है, उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करे, तो वो क्या करेगा, वो ये वाले मेथड अपनाएगा। इसलिए इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम दो तरीके का होता है, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड हम अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से जितना भी स्टॉक आएगा उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। मींस द स्टॉक इज फिजिकली वेरीफाइड आफ्टर सर्टेन इंटरवेल्स एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। समय समय पर हम अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और जो स्टॉक की वैल्यू आती है उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दैट इज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। नाम ही पीरियोडिक है, इट कम, इसका मतलब सर्टेन पीरियड के बाद हम स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करेंगे। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय परपेचुअल, क्या हमने परपेचुअल वर्ड कभी सुना है, कहीं सुना था हमने? आपने कंपनीज के फीचर्स पढ़े होंगे शायद, पढ़ा था उसमें कहीं परपेचुअल सब्सक्रिप्शन। मींस क्या होता था इसका, इसका मींस होता था कि कंपनी में मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। इट मीन्स द स्टॉक में कम और स्टॉक में गो, बट द रिकॉर्ड सिस्टम गोज ऑन फॉर एवर। इट मीन्स आप वो सिस्टम फॉलो करते हैं जहां पर जब भी स्टॉक आएगा तो आप एंट्री करेंगे, जब भी स्टॉक जाएगा तो आप एंट्री करेंगे और बैलेंस हमेशा बचा रहेगा आपके पास। इट मीन्स यू हैव टू एंटर एवरी रिसीट एंड एवरी इशू ऑफ स्टॉक एंड द बैलेंस विल बी इन द स्टॉक लेजर। यानी आप एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं।
जो कि हम अभी किसी ने बात की थी कि हम फीफो मेथड फॉलो कर देते हैं, हम लीफो मेथड फॉलो कर देते हैं, हम हीफो मेथड फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, हम सिंपल एवरेज कर सकते हैं, हम वेटेड एवरेज मेथड कर सकते हैं। तो ऑल दीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम या मेथड जो हैं दैट आर द पार्ट्स ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, क्योंकि हमने एक प्रॉपर मेथड अपने यहाँ डेवलप किया और हम उस मेथड को उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक। तो पीरियोडिक में तो कुछ चिंता ही नहीं है, पीरियोडिक में हमारे पास दो मेथड, एक तो फिजिकल वेरीफाई कर लें, और अगर इसको चेक करना है हमें, मान लीजिए हमने स्टॉक फिजिकली वेरीफाई किया, अब देखो क्या होगा, हमने स्टॉक फिजिकली इस वाले मेथड में जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि अगर स्टॉक में कभी भी शॉर्टेज हुई तो हमें पता चल जाएगा। मैंने 100 यूनिट खरीदी थी जिसमें से 80 यूनिट मैंने बेच दी, मेरे स्टॉक में कितनी यूनिट बचनी होनी चाहिए, किसी भी दिन फिजिकली मैं चेक कर लूंगा, अगर 20 नहीं हुई तो इसका मतलब 2 यूनिट गायब है। पीरियोडिक में मैंने तो काउंट ही नहीं करा, मैं तो हर बार फिजिकली वेरीफाई करता हूँ, मैं ये देखता ही नहीं कि मैंने कितनी खरीदी थी, कितनी बेची और उतनी बची या नहीं बची, क्योंकि मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो गई होगी, कहीं चोरी हो गया, कुछ खराब हो गया, ठीक है, तो मैं कैसे पता लगाऊं, किसी को हमने ज़्यादा दे दिया तो कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे और एस्टिमेशन करेंगे इस वाले मेथड से कि मैं ऑन एन एवरेज 20% प्रॉफिट कमा के गुड्स बेचता हूँ, ठीक है, मेरे पास 20 रुपये का गुड्स साल के शुरू में था, मैंने 150 रुपये का गुड्स और ख़रीदा, कितने का हो गया, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने 150 रुपये की सेल की है और मैं सेल पर 20% प्रॉफिट कमाता हूँ, इट मीन्स 150 रुपये में 20% के हिसाब से 30 रुपये का क्या होगा प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितनी होगी 100, यानी 170 रुपये के स्टॉक में से 120 रुपये का स्टॉक मैंने बेच दिया, तो मेरे पास मोटा मोटा 50 रुपये का स्टॉक होना चाहिए, और जब मैंने गुड्स को फिजिकली वेरीफाई किया तो स्टॉक की वैल्यू आ रही है 45 रुपये, इसका मतलब कुछ स्टॉक कहीं पर गायब हो गया, इट मे बी दैट स्टोलन, इट मे बी प्लिफ्रेज, ठीक है, इट मे बी एक्स्ट्रा डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, इट मे बी कि हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला हो, उसकी एंट्री ना की हो, कई तरह की चीज़ हो सकती हैं। पर्पज़ ये है कि हमारा ऑडिट या हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहाँ पर इनमें से ही कोई ना कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड फॉलो हो रहे होंगे, और इन योर ऑडिट रिपोर्ट यू हैव टू मेंशन द बेसिस ऑन विच द इन्वेंट्री वाज वैल्यूड, ये आपको अपने उसमें बताना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट AS1 हमने बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मैंने आपको बताया था किसके लिए था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए, यानी हर बिजनेस को ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि वो कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं। AS2 इज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी हर बिजनेस कंसर्न को ये बताना पड़ेगा कि वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, और CA को इस बात पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड ठीक है या नहीं है, उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड के इनके प्रॉफिट्स या फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट आते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की, ये मेथड क्यों आई, मिस्टर ए एक बिजनेस करते हैं और जो इनका प्रोडक्ट है इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक, रोज कम या ज़्यादा हो सकता है, ऐसी यूनिट होती है, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्राइस रोज चेंज हो, बता सकते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस रोज चेंज होता हो, शेयर्स हो सकता है, गोल्ड और कमोडिटीज़, अगर आप देखें तो जो कमोडिटीज़ डील होती हैं हम, चाहे वो दाल हो या और चीज़ें हों, वो भी मार्केट में उनका ट्रेडिंग होती है। तो मिस्टर ए भी ऐसे व्यापारी हैं, ये गुड्स खरीदते भी रहते हैं और बेचते भी रहते हैं और प्राइस चेंज होता रहता है। इन्होंने जनवरी 1 को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 100 यूनिट खरीदी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपए के हिसाब से। जनवरी 5
इन्होंने 200 यूनिट और खरीदी थी, लेकिन इस दिन रेट हो गया था 11 रुपये। जनवरी 8 इन्होंने 150 यूनिट सेल कर दी, ठीक। जनवरी 10 इन्होंने 250 यूनिट और खरीद ली एट द रेट ऑफ 12 ईच। जनवरी 15 200 यूनिट सेल कर दी। जनवरी 18 300 यूनिट खरीदी एट द रेट ऑफ 13 ईच। जनवरी 22 250 यूनिट सेल की। जनवरी 25 400 यूनिट खरीदी एट द रेट ऑफ 14 ईच। और जनवरी 28 को इन्होंने 350 यूनिट सेल कर दी। अब पूरे महीने ये कंटिन्यूस सेल और परचेस कर रहे हैं, ठीक। हम पूछते हैं कि जनवरी 31 को इनके पास कितनी यूनिट स्टॉक में थी, तो ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। हम सारी परचेस वाली यूनिट ऐड कर देंगे और सेल वाली यूनिट ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन वो यूनिट कौन से रेट की थी? 10 वाली यूनिट भी हमारे पास, तो हमारे पास 11 वाली यूनिट भी हैं, 12 वाली भी हैं, 13 वाली भी, 14 वाली भी हैं। तो 31 तारीख को जो यूनिट बची वो कौन से वाले प्राइस की थी? ये भी तो एक क्वेश्चन होगा। मैं 10 पे भी कॉस्ट तो हमने बात की थी, स्टॉक इज वैल्यूड एज कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, दिस इज माई कॉस्ट। तो कौन से कॉस्ट की यूनिट मेरे पास बची हैं ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर मैं ये देखूंगा कि उन यूनिट्स का रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, दोनों को कंपेयर करूंगा और जो कम होगी उस पर स्टॉक का वैल्यूएशन कर दूंगा। यानी मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे पास कौन से वाले रेट की यूनिट हैं। इसके लिए हमें एक मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक। कोई भी मेथड हर तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट नहीं होता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से दूसरा मेथड चूज कर सकती जो उनके लिए सुटेबल हो, ठीक है। आइए अब ये बताएं, ये जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखेगा ये कौन रखेगा? अकाउंटेंट। बताएं, अकाउंटेंट इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखेगा या अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा? अकाउंटेंट तो अकाउंटिंग करेगा, वो रिकॉर्ड नहीं रखेगा। ये जो जितना भी हमारा स्टॉक है ये कहाँ रखा होता है? गोडाउन में, है ना, जिसे हम स्टोर भी कहते हैं। और स्टोर के बाहर कौन बैठा होता है? स्टोर कीपर। और उस स्टोर कीपर का ये काम होता है कि जब भी गुड्स गोडाउन में आएगा वो उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, और जब भी गुड्स गोडाउन से बाहर जाएगा स्टोर से तो वो उसकी एंट्री अपने आप करेगा। तो जो रजिस्टर स्टोर कीपर बनाता है दैट इज कॉल्ड स्टोर लेजर, ठीक। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टोर लेजर को ही कई बार वेरीफाई करना पड़ता है। समटाइम्स योर क्लाइंट विल आस्क टू यू कि हाउ आई शुड मैनेज माई स्टॉक, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि सर गोडाउन पे एक स्टोर कीपर बैठाइए और एक स्टोर लेजर उसके हाथ में दे दीजिए। तो वो आपसे पूछेगा सर स्टोर लेजर कैसे मेंटेन करना है, तो आप उसे बताएंगे। स्टोर कीपर को भी आप ही को समझाना पड़ेगा और आप ही स्टोर लेजर को वेरीफाई भी करेंगे। तो हम स्टोर लेजर बना रहे हैं। स्टोर लेजर में कौन कौन से कॉलम होते हैं? पहला कॉलम स्टोर लेजर में है डेट का, दूसरा कॉलम स्टोर लेजर में है रिसीट्स, तीसरा कॉलम स्टोर लेजर में है इशू, और लास्ट कॉलम है बैलेंस, ठीक है। कितना गुड्स रिसीव हुआ,
कितना गुड्स इशू हुआ और कितना बैलेंस बचा है। देन ईच कॉलम इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, वन इज क्वान्टिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वान्टिटी, रेट और अमाउंट, क्वान्टिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। अब देखें, अब इसकी एंट्री करते हैं। जनवरी 1 को केवल समझ लें, अभी आप नोट बाद में कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट करने के चक्कर में समझना रह जाएगा। जनवरी 1 को हमने 100 यूनिट्स खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, ठीक। जनवरी 1, ये बताएं कौन से कॉलम में एंट्री होगी? रिसीट्स वाले में। क्वांटिटी 100 यूनिट, रेट कितना था 10 रुपए, टोटल कितने का हो गया 1000 रुपए का। इशू कुछ भी नहीं किया, बैलेंस बचा 100 यूनिट 10 रुपए के रेट से 1000 रुपए, ठीक है। देन अगेन जनवरी 5 हमने 200 यूनिट खरीदी, जनवरी 5 200 यूनिट खरीदी, रेट क्या हो गया था 11 रुपीज 2200 की, स्टॉक हो गया 100 यूनिट 10 रुपए के रेट से 1000 और 200 यूनिट 11 रुपए के रेट से 2200। ध्यान रखें जब भी स्टॉक आप लिखेंगे आप पूरी यूनिट दोबारा से कैरी करेंगे, ऐसा नहीं कि 100 लिखी थी, आपको एक पर्टिकुलर डेट पर अगर चार तरीके की यूनिट्स हैं तो वो चारों यूनिट्स यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमने जनवरी 8 को 150 यूनिट सेल कर दी। अब हमारे पास दो तरह की यूनिट हैं, 10 वाली और 11 वाली, 150 यूनिट सेल करनी है तो मैं कौन सी वाली पहले सेल करूँ? 11 वाली पहले सेल करूँ, 10 वाली पहले करूँ? क्यों, पहले खरीदी थी वो और 11 वाली करने में कोई नुकसान है क्या? इट मीन्स आई हैव टू डिसाइड अ मेथड, मुझे एक मेथड डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ये मेथड अडॉप्ट करता हूँ कि जो पहले आई थी वो मैं पहले बेचूंगा और उसके बाद वाली, ठीक, तो दैट मेथड इज कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले माल आया है वो पहले बिकेगा, ठीक है। तो पहले कौन सा वाला बिकेगा? 10 वाला। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 11 वाले का। यानी जब मैं जनवरी 8 को इशू करूंगा 150 यूनिट तो मैं पहले 100 यूनिट तो कौन सी वाली सेल कर दूंगा? 10 वाली 1000 की, और बाकी 50 यूनिट किस में से सेल होंगी? 11 वाली में से 550 की। अब स्टॉक कौन सा बचेगा? ये वाली 100 यूनिट तो सारी की सारी खत्म हो गई, इस 200 में से कितनी यूनिट खत्म हुई? 50। तो अब स्टॉक में 150 यूनिट बची, कौन से रेट वाली? 11 वाली, 1650 रुपए की, ठीक है। बताएं कोई डाउट यहां तक? क्या दो बार नहीं लिखा मैंने? आप इस कॉलम को देख रहे हैं, आप तो इस वाले कॉलम से रिलेट करके देखिए, जनवरी 1 का स्टॉक कितना था, आपको तो जनवरी 1 का स्टॉक देखना है, दिस इज द स्टॉक ऑफ जनवरी 1। अब जनवरी 5 का स्टॉक देखना है तो दिस इज द स्टॉक ऑफ जनवरी 5। आप तो ये ट्रांजैक्शन देखिए, अगर जनवरी 5 का स्टॉक देखना होगा तो जनवरी 5 में 100 यूनिट 10 वाली थी और 200 यूनिट 11 वाली थी। आपको एक पर्टिकुलर डेट पर जितना भी स्टॉक है वो सारा यहाँ कैरी करना है, ठीक है, चाहे दोबारा से ही क्यों ना लिखना पड़े, ठीक, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने जनवरी 10 को 250 यूनिट खरीदी 12 रुपए के रेट से 3000 की। स्टॉक में हमारे पास 150 यूनिट 11 वाली हैं, 1650 और 250 यूनिट
12 वाली हैं 3000, ये स्टॉक है हमारे पास टोटल, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद जनवरी 15 में 200 यूनिट सेल कर दी। अब जब 200 यूनिट सेल करेंगे और फीफो मेथड चल रहा है, तो पहले कौन सी वाली सेल करेंगे, 11 रुपए वाली, ठीक। तो 150 यूनिट तो हम बेच देंगे 11 वाली 1650 रुपए की, और 50 यूनिट किस में से सेल करेंगे, 12 वाली में से 600 रुपए की। स्टॉक में कौन सी बचेंगी, 11 वाली तो सारी खत्म हो गई, 12 वाली 250 थी, 250 में से 50 सेल हो गई, 200 यूनिट हमारे पास बची 12 रुपए के रेट से 2400 रुपए की, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, आगे देखें। इसके बाद हमने जनवरी 18 में 300 यूनिट और खरीदी, जनवरी 18 300 यूनिट और खरीद ली 13 रुपए के रेट से 3900 रुपए की। सेल कुछ नहीं किया, स्टॉक में कितनी यूनिट हो गई, 212 रुपए के रेट से 2400 की, और 313 रुपए के रेट से 3900 की, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद जनवरी 18 के बाद हमने जनवरी 22 में 250 यूनिट सेल कर दी। जनवरी 22 250 यूनिट सेल करने के लिए मैं 200 यूनिट तो सेल करूंगा, कौन सी वाली, 12 रुपए के रेट वाली 2400 की, और 50 यूनिट सेल करूंगा, कौन सी वाली, 13 रुपए वाली 650 की। 12 वाली यूनिट तो सारी खत्म हो गई, 13 वाली 300 यूनिट थी जिसमें से 50 सेल हो गई, 350 यूनिट, दो सौ पचास यूनिट 13 रुपए वाली बच गई 3250 रुपए, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, इसके बाद ध्यान रखें ये अकाउंटिंग से रिलेटेड सिस्टम नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो आप जिस स्टोर कीपर को बिठाएंगे वो अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर ठीक दिमाग का है तो वो उसे भी रिकॉर्डिंग का सिस्टम आ जाएगा कि जो पहले आई वो पहले बेच दियो और उसके बाद वाली लिख देना, ठीक। तो इसका अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सिस्टम समझ करके ये चेक करना है वेदर द सिस्टम हैज बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड और नॉट, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं लेकिन बीच में एक बार हमने लीफो कर दिया, ठीक। हर बार पहले वाली यूनिट सेल करनी थी, बीच में एक बार लास्ट वाली यूनिट सेल कर दी, ठीक। क्यों ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इससे हमारी स्टॉक वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट आएगा, और उस स्टॉक वैल्यूएशन की इम्पैक्ट का असर किस पे आएगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर और फाइनेंशियल पोजीशन पर। और हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पर ही कमेंट करना होता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की आ रही है दैट प्रॉफिटेबिलिटी इज करेक्ट और नॉट। तो इसके बाद क्या हुआ, जनवरी 22 के बाद हमने जनवरी 25 में 400 यूनिट और खरीद ली। जनवरी 25 400 यूनिट खरीदी, कौन से रेट से, 14 रुपए के रेट से 5600। तो हमारे पास 250 यूनिट तो 13 वाली पहले से ही थी 3250 रुपए की, 400 यूनिट हमने और खरीद ली 14 रुपए के रेट से 5600 रुपए की, ये टोटल स्टॉक हो गया। और जनवरी 28 को हमने 350 यूनिट सेल कर दी। तो 350 यूनिट जब सेल करेंगे तो कैसे करेंगे, 250 यूनिट तो सेल कर देंगे 13 रुपए वाली
3,250 रुपए की, और बाकी 100 यूनिट किस में से सेल करेंगे? 14 वाली में से 1,400 रुपए की। ठीक है, तो ये 250 यूनिट तो सारी की सारी ख़त्म हो गई। इस 400 यूनिट में से कितनी बिक गई? 100। तो 300 यूनिट हमारे स्टॉक में होंगी 14 रुपए के रेट से 4,200 रुपए की। ठीक है, तो हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या है? 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14 ईच। और वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बता दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जी भैया, कैपिटल बढ़ाने की नहीं पूछ रही फीस कोई? हाँ, ये चेक कर लेगा, मैं भी चेक कर लेता है, खुद भी चेक कर लेता है। हाँ, और क्या पूछ सकता है आपसे? वो पूछ सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए। तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता सकता हूँ? इसमें स्टोर लेजर थी, जो जो गुड्स मैंने सेल किया था उसकी कॉस्ट क्या थी? ये अगर मैं इस वाले कॉलम का टोटल कर लूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि जो गुड्स मैंने सेल किया उसकी कॉस्ट क्या है। या कई बार वो क्वेश्चन में क्या कहता है? वो क्वेश्चन में आपको सेल दे देता है। वो कहता है सेल 2,10,000 रुपये की है, आप जीबी बताइए। तो मैं इस 2,10,000 रुपये में से क्या चीज़ लेस कर दूँ कि मुझे जीबी पता चल जाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो पूछ सकता है आपसे कि टोटल परचेज बता दीजिए, तो मैं इस कॉलम का टोटल कर लूँगा। यानी स्टोर लेजर से आपको तीन बातें पता चल सकती हैं। फर्स्ट इज परचेजेस, सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने बेचा, और थर्ड इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये मेथड मैंने फॉलो किया फीफो। कैसे हम डिसाइड करें कि हम फीफो फॉलो करें या कोई और मेथड फॉलो करें? इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। ठीक है, हर बिजनेस का अलग अलग वो हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस थी, इन्फ्लेशनरी कंडीशन यानी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो जब प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए बिजनेसमैन को? लीफो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरानी यूनिट जो खरीदी है कौन सी वाली होंगी? सस्ती वाली। तो जब वो बाद में बेचेगा तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी, है ना। लेकिन अगर गुड्स का नेचर पेरिशेबल है, खराब होने वाला है, देन यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड। ठीक है, तो इट डिपेंड्स द नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उस हिसाब से मेथड डिसाइड करेंगे। ठीक, अगर सेम क्वेश्चन हमें लीफो मेथड से करना हो तो क्या चेंज हो जाएगा? कि हम सबसे जब भी इशू करेंगे तो हम पहले लास्ट वाली देखेंगे। यानी जब हम इस वाले पॉइंट पे इशू कर रहे थे, तो हम ये देखेंगे कि बाद में कौन सी आई थी, 11 वाली, तो हम पहले 11 वाली इशू करेंगे। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर हमें देखेंगे पहले कौन, बाद में कौन सी आई है, 12 वाली, तो हम 12 वाली इशू करेंगे। और इसके बाद में देखेंगे बाद में कौन सी आई है, 13 वाली, तो हम 13 वाली इशू करेंगे। अगर हम हीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, हीफो स्टैंड्स फॉर हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे महंगी होगी वो पहले जाएगी। ठीक है, यानी हमें ऐसा लगता है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से कभी भी प्राइस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो महंगे वाली चीज़ को पहले निकाल दो, जिससे कि हमारे पास सस्ते रेटों वाली चीज़ रखी हो, हमें नुकसान ना हो। तो हम ये देखेंगे कि इसमें से महंगी कौन सी है, महंगी वाली को पहले निकालेंगे। तो अगर सेम क्वेश्चन आपको लीफो मेथड से या हीफो मेथड से करना हो तो आप कर लेंगे, तो आप यही वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया है, कराया है, इसी को लीफो और हीफो मेथड से करके लाएंगे। ठीक है, कल मैं सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल केवल यही वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया है, यही क्वेश्चन आपको लीफो एंड हीफो मेथड से करना है। ठीक है।